हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं जाने लगते हैं और अपना वार्डरोब खोलते हैं, सूट ढूंढिए तो दुपट्टा नहीं मिल रहा है, साड़ी निकाली तो ब्लाउज नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मैसी मैसी सा रहता है हमारा वार्डरोब। तो आज हम अपने वार्डरोब को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हर एक चीज़ अपनी जगह पे मिल जाए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑर्गेनाइजर के साथ। सबसे पहले हम अपने सारे कपड़े को बाहर निकाल लेंगे वार्डरोब से। और जब हमारा वार्डरोब हो गया है खाली, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और इस तरीके का चार्ट पेपर या न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर आप इसके अंदर जरूर बिछा के रखें। तो चलिए अब ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। तो ये है आइडिया नंबर वन। इस तरीके का थैला हमारे पास बहुत सारा पड़ा रहता है घर में, और जो मार्केट से कोई भी कपड़ा लेकर आते हैं या कोई भी सामान, तो उसके साथ मिलता है। तो इसका सबसे पहले हम इसका फीता काट लेंगे। इसका जो साइड का वो पोर्शन होता है ना फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, तो इसको हम ऊपर की तरफ लगभग 1 इंची छोड़ के फिर इसको काटेंगे। नीचे भी 1 इंची छोड़ देंगे। और इसको कट करके बीच का पार्ट निकाल देंगे। और बस हमारा ऑर्गेनाइजर हो गया तैयार। और इस ऑर्गेनाइजर में मैं साड़ी अपने सारे रखूंगी। जितनी सिल्क वगैरह की साड़ियाँ होती हैं ना, जिसका फोल्ड छोटा हो जाता है, तो उसको ऐसे ही छोटा फोल्ड करके इसमें अच्छे से एडजस्ट करके रख देंगे। और अब देखिए इसमें कितनी सारी साड़ियां अच्छे से एडजस्ट होके आ गई हैं। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर हो गया तैयार। ये दूसरा ऑर्गेनाइजर, इस तरीके का पैकेट ना फ्रेंड्स हमारे सर सूट के साथ आता है, या बहुत सारे कपड़े के साथ इस तरीके का पैकेट आता है, शर्ट वगैरह के साथ चेन लगा हुआ। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजर भी आप यूज कर सकते हैं अपनी साड़ियों के लिए। जो भी आपके पार्टी वेयर साड़ियां हैं, उसको आप इस तरीके से, इस तरह के ऑर्गेनाइजर में, ये भी आपको फ्री ही मिल जाता है। तो ये भी है, सूट के साथ आया था मेरे, तो उसको भी मैंने साड़ी का ऑर्गेनाइजर बना लिया था। और ये है आइडिया नंबर थ्री। इस तरीके का पैकेट हम एम बाजार जाते हैं, विशाल जाते हैं, तो हमारे पास इस तरीके का पैकेट आता है। कोई भी पैकेट आप ले सकते हैं इस तरह का, और उसका बस फीता निकाल लेना है। और इसको बीच से फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ। और बस हमारा ऑर्गेनाइजर हो गया रेडी। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। मैंने यहाँ पे इसमें लेगिंग्स और जीन्स वगैरह अपने रखे थे सारे। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में जब आप कपड़े ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो आपको सारा कुछ दिखता रहता है, जो भी चाहिए आपको उसमें से आप निकाल लीजिए। तो ये मैंने 2-3 बनाए थे इस तरीके के ऑर्गेनाइजर। और ये हमारा चौथा आइडिया, ये कार्डबोर्ड से बनेगा ये ऑर्गेनाइजर। तो एक कार्डबोर्ड लिया है, जो भी अमेजन वगैरह से आता है, कोई भी कार्डबोर्ड, सामने की तरफ 1 इंच छोड़ के इस तरीके से निशान लगाएंगे और बस उसको काट लेंगे। और उसके ऊपर कोई भी, मैंने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है, आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं, चार्ट पेपर भी लगा सकते हैं। और न्यूज़पेपर लगाने से तो ये बिल्कुल फ्री बनता है। और ये हमारा पांचवा आइडिया, ये भी कार्डबोर्ड से ही बना है, तो इस पे भी मैंने वॉलपेपर चिपकाया है और इसके बीच से पार्टीशन दे दिया है इस तरीके से।
आप चाहे तो इसमें कितने भी पार्ट दे करके छोटे कपड़े भी रख सकते हैं। मुझे इसमें दुपट्टा रखना था, इसलिए मैंने इसको बीच से पार्टीशन किया है। तो हमारे ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से तैयार हुए थे। मैंने 5-6 ऑर्गेनाइज़र कुछ चार्ट पेपर लगा के, कुछ वॉलपेपर लगा के तैयार किया था। तो चलिए अब इसमें अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करते हैं। इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपने ब्लाउज रखे थे सारे, देखिए कितने अच्छे से सारे एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपने सारे पार्टी वेयर सूट रखे थे। मैं पार्टी वेयर और नॉर्मल वेयर को अलग अलग रखती हूँ, और पार्टी वेयर में भी उसका जो दुपट्टा है और उसका पैंट है वो सबको सूट के अंदर ही डाल के फिर उसको रखती हूँ, ताकि जब भी हम निकालें तो सारा कुछ एक साथ ही निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे पार्टी वेयर ड्रेस को इसमें एडजस्ट कर लिया था। ये देखिए सारे दिखते भी रहते हैं अच्छे से, आपको जो चाहिए आपको आराम से दिखेगा। और ऐसा ही एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपने नॉर्मल वेयर को रखा था, कॉटन के सूट वगैरह को। और इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने अपने सारे गाउन्स और जो सिर्फ कुर्ती कुर्ती है ना फ्रेंड्स जिसकी, उसको रखा था। सबको अलग अलग रखने से आपको ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने दुपट्टा रखा था, और इसमें जो मेरे बेडशीट है डेली यूज़ वाले उसको रखा था। और ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था मैंने, ये बहुत ही सुंदर सा बना था। इसमें मैं अपने पर्स के लिए बनाया था इसको मैंने, तो इसमें मैं सारे पर्स को अलग अलग करके रखूँगी। ये देखिए सारे ऑर्गेनाइज कितने अच्छे से हो गए हैं पर्स। तो चलिए अब हम इसको अपने अलमारी में सेट कर लेते हैं। तो ये मैंने वो साड़ी वाला ऑर्गेनाइज़र रखा है साइड में, और फिर उसके पीछे पेटीकोट वाला, और सामने ब्लाउज का ऑर्गेनाइज़र रख दिया था मैंने। और ये देखिए एक ही सेल्फ में सारा कुछ अच्छे से एडजस्ट हो गया है। उसके नीचे वाले में ना मैंने अपना वो जो पार्टी वेयर सूट वाला था, और लेगिंग्स और दुपट्टे, इन सबको ऑर्गेनाइज कर दिया था। और उससे नीचे जो मेरा गाउन वाला ऑर्गेनाइज़र था और कुर्ती वाला, उसको रखा, और उसके साइड में सूट वाले ऑर्गेनाइज़र को। और उससे नीचे वाले में मैंने अपने डेली वेयर रखे थे, और सबसे नीचे जो बेडशीट वाला बनाया था वो, और पर्स वाला जो ऑर्गेनाइज़र था उसको रख दिया था। तो ये देखिए ये मेरा बिफोर लुक है वार्डरोब का, कुछ इस तरीके का था मेरा वार्डरोब। और ये है इसका अभी वाला लुक, और देखिए ये कितना नीट एंड क्लीन हो गया और कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब जो भी सामान ढूंढेंगे वो अपनी जगह पे मिलेगा, और हमको कोई परेशानी भी नहीं होगी सामान ढूंढने में। तो थोड़ी सी मेहनत से और बिल्कुल भी जीरो बजट से हमारा वार्डरोब कितना ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही नए नए आइडियाज़ के साथ मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में।